chef's hotel. When we 3 months. वापस हूँ मैं इस वक्त थिम्पू की सड़कों पर अपने दोस्त की वैन में और उसके पापा फिर से ड्राइव कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि इस वक्त हम निकल रहे हैं पारो जाने के लिए, और जब मैं हम कह रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ मैं। प्लान चेंज हुआ है, सोच रहा था कि रात को मैं यहीं रुकूंगा और अगले दिन सुबह ट्रैवल करूँगा और उनके साथ हवेली निकल जाऊँगा, पर क्योंकि सुबह एक मीटिंग है, बिज़नेस मीटिंग है लुबजंग की डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट में, तो वो मेरे साथ सुबह को नहीं जा पाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि प्रभजीत भी कल सुबह 9 बजे निकल रही है, उसकी फ़्लाइट 11 बजे की है, तो एक बार जाकर उससे मिल लेता हूँ। मैं उनके साथ बिल्कुल वक्त नहीं गुजार पाया, मुझे खुद बड़ा गिल्टी और प्रॉब्लम फील हो रहा है। तो इस वक्त ये लोग मुझे साथ लेके जा रहे हैं, घर से मैं बैग उठाऊँगा लुबजंग के, और ये लोग मुझे एक गाड़ी में बिठा देंगे जिसके लिए ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 250 रुपीज़ में ये गाड़ी घर पर आएगी, पिक करेगी और छोड़ देगी मुझे पारो। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, सफ़र शुरू हुआ फिर से। पारो के लिए निकल रहा हूँ, लुबजंग के पापा लुबजंग मुझे छोड़ने के लिए, इतना प्यार इतनी मोहब्बत, विश कि सबको सब जगह मिले। क्रॉसिंग के लिए हमेशा हम लोग पेडेस्ट्रियन को यूज़ करते हैं, और गाड़ी कुछ ऐसे रुकती है यहाँ पर। ये देखिए, तभी रुकेंगे जब आप पेडेस्ट्रियन यूज़ करेंगे। ये लोग हैं छोड़ने के लिए जा रहे हैं। रात के 8 बजे हैं और मैं अभी पारो पहुंचा हूं। अभी किस होटल में जाना है, होटल का नाम तो पता है, होटल जिया रिजॉर्ट समथिंग। एग्जैक्टली एड्रेस ना ड्राइवर को पता था ना मुझे। सो जो दूसरा ग्रुप है मेरा जो इस वक्त यहाँ पर हैं, मैंने उनको बोला तो वो अभी आ रहे हैं पिक करने। अभी वो बाहर मोनेस्ट्री दिख रही है ना आपके सामने, तो उस मोनेस्ट्री में अभी फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए गए हैं। तो जैसे ही आएंगे वापस विल कॉल, एंड हम लोग साथ में होटल में चले गए। जब से मैं आया हूँ, दूसरा दिन है आज पहुँचने के बाद, तो एक्सपीरियंस होगा किसी होटल में स्टे करने का। और होटल का यहाँ रूम में आपको 1000-1200 से कम में नहीं मिलता है। ये लोग तो 2 रूम लेके रुके हुए हैं। तो पर हेड 500 रुपीस। अभी क्योंकि मैं अकेला रुकने वाला हूँ तो मुझे देखना है कि कितने में मिलता है, पर आई एम कीपिंग अ बजट ऑफ 1000 रुपीज़ और 1200। आई एम ओके, आई विल मैनेज ऑन दैट। मैं नहीं चाहता कि गूगल वीवो या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से कोई होटल बुक करूं इस वक्त। मैं चाह रहा था कि इस ग्रुप के साथ आज रात रुकूं, और कल यही ग्रुप हवेली के लिए निकल रहा है, तो मैंने परमिट आज बनवा लिया इनके साथ, कल सुबह मैं हवेली निकल जाऊंगा। तो इसलिए अच्छा है कि हम साथ में रहें, सेम होटल में रहें। मैंने खर्च किया टोटल 250 रुपीज़ फ्रॉम थिम्पू से लेके पारो तक। तो ये शेयर टैक्सी था, इसमें हम लोग करीब 5 लोग थे, तो 200 रुपये में मिल जाता है, क्योंकि शाम का टाइम था तो
इसलिए 250 रुपीज़ मैंने पे किया। अभी भी चहल पहल है, शॉप ओपन है, रेस्टोरेंट ओपन है, तो मैं थोड़ा घूम फिर के देखता हूँ, कुछ खाने को मिलता है तो अच्छा है, अदरवाइज। लो भाई लोगों, रूम नंबर 305 लिया है 900 रुपये में, 1000 बोल रहे थे, कोशिश किया तो कम किया। मैंने देखा भी नहीं रूम, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कि जब रुकना ही रात को है। फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन सा रूम मिला। ओके, लेट मी स्विच ऑन द लाइट। फाइन, इट हैज अ टेबल, टू बेड। सो ये रूम मिला है 900 रुपये में, और कम करवाता शायद 800 तक बात बन जाती। यहाँ से आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, थोड़ी देर ओपन करके रखूँगा तो इस लोकेशन शायद कम हो जाए। एकदम सड़क के ऊपर है होटल का नाम है शेफ होटल। बाहर से आवाज़ें तो आनी शुरू हो गई, साथ में थोड़ी हवा भी आई, इसलिए मैं डोर के लिए खिड़की खोल करके रखा हुआ है। बाहर का नज़ारा देखो आप, ये कुछ इस तरह से है। इस वक्त पारो में हूँ, और वो जो ऊपर आपको टॉप पे दिखा है ना ब्राइट कलर में, वो डजोंग है। चलती सड़क, दो बेड लगे हैं यहाँ पर, एक टेबल चेयर है जिसपे बैठ, बाथरूम का कुछ ऐसा है, वो यूज करना अभी। हाँ, दिस इज द लाइट, बाथरूम ठीक है। मैडम एक्स, ओके, बकेट है, गीजर लगा है। मैं कभी भी गर्म पानी से नहाता नहीं हूँ, हमेशा ठंडे पानी से नहाता हूँ। जब से मैं और आकाश यहाँ रुक पाएंगे बड़े आराम से, दो लोगों में पर हेड अब 400 रुपये या 450 रुपये का शेयर कर लेंगे। एक्स्ट्रा बेडिंग के लिए ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, अगर लुबजंग साथ में रुकता है तो वो भी वर्कआउट किया जा सकता है। अभी तक तो ठीक ठाक लग रहा है रूम मुझे। वो शेफ्स किचन रेस्टोरेंट में, और इनके ऊपर एक शेफ्स होटल भी है जिसमें करीब 6 रूम है इनके पास। रात में यहीं पर रुका था, मैंने इनको 900 रुपीज़ पे किया सिंगल ऑक्यूपेंसी। डबल के लिए 1200 की डिमांड है, तो अगर आकाश आता है तो शायद उस डेट को हम वहाँ रुकने का सोच सकते हैं। अभी मैंने 2 दिन के लिए कंटिन्यू किया है, आज को, आज और कल के लिए कंटिन्यू किया है, 900 रुपीज़ में सेम में कंटिन्यू हो गया है। अब मुझे लग रहा है कि क्योंकि तीस छू यानी कि जो मास्क फेस्टिवल है जो पारो में साल हो रहा है, उस वजह से यहाँ रेट बढ़ेंगे और गेस्ट बहुत आने वाले हैं, तो मुझे अभी से अरेंजमेंट करके रख लेना चाहिए पूरी ड्यूरेशन के लिए। अभी मैं आकाश को एक बार फ़ोन करता हूँ और बात करके कंटिन्यू करने का सोच सकता हूँ। एक बार लुबजंग से भी बात करता हूँ, शायद कुछ और ओपिनियन या आइडिया उनके पास हो। इस एरिया में जब मैं रात को घूम रहा था करीब 9 बजे के आसपास, तो सारे होटल में जो रेट मुझे मिला सिंगल ऑक्यूपेंसी 1800, डबल के लिए 2200 रुपये का, तो एक बार तो मुझे लगा कि बजट के बाहर होने वाला है, क्या करूँगा। फाइनली इन्होंने मुझे 900 रुपीज़ में, 1000 बोल के 900 रुपीज़ में रूम दे दिया। अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ, तो अच्छा रेस्टोरेंट है, एम्बियंस अच्छा है, दो लेडीज हैं जो इसको चला रही हैं अभी। इनफैक्ट भूटान में एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करिएगा,
सारा का सारा बिजनेस लेडीज़ के पास है, सब वही लोग मैनेज करते हैं। एक वेजिटेबल शॉप से लेके सूट बेचना और नीटिंग वेयर, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, एनी शॉप यू विल सी द फीमेल्स ओनली, वेरी फ्यू मेल शॉपकीपर्स और बिजनेस मैन यू विल सी। ब्रेकफास्ट का टाइम है, अभी आलू पूरी बना करके दिया जा रहा है। मैंने कहा जो रेडी है वो मुझे दे दो, काफ़ी नहीं है। बोलते हैं कि हम आपके लिए बना देते हैं। इस फोन में फ्री वाईफाई है, मैंने पासवर्ड अभी लिया नहीं है, तो पूछता हूँ थोड़ी देर में कि वाईफाई का पासवर्ड क्या है, तो थोड़ी देर वही एक्सेस करूँगा। आज का प्लान मेरा लोकल पारो में घूमने का है। कल टाइगर्स नेस्ट टैंगशैंग जिसको कहा जाता है, वहाँ मैं हाइक करने वाला हूँ। तो आज का एजेंडा इतना ही रहेगा। आज तो पारो में बैठा हुआ चिल मार रहा हूँ। इस वक्त पार्क में अच्छे से धूप और ये ठंडी ठंडी हवा, आई एम जस्ट लविंग इट। अभी मैं गया था लुबजंग को मिलने के लिए, वहाँ पे अभी वो कल से फेस्टिवल शुरू हुए तो पूरा स्टॉल लगा रहे हैं। अभी कल का दिन भी लगेगा तैयारी करने में ऐसा लगता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है पूरा सेटअप लगाना। फेस्टिवल 5 दिन का है अभी, तो वेडनेसडे या थर्सडे वेडनेसडे तक चलने वाला है। तो आज हो गया सैटरडे, कल संडे, आज से शुरू होना था सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ये आज 5 दिन है। लेकिन अभी तक अंदर स्टॉल ही लगाए जा रहे भाई। पर एक चीज़ तो समझ आई है, कल मैं हैंडीक्राफ्ट मार्केट गया था, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वहाँ पर हैं। मैंने जब उनका पहले जब उनको देखता था ना, जब हमारे वहाँ इवेंट्स में आते थे और जब वो रेट बोलते थे, ऐसा लगता था कि यार इतना महंगा क्यों भाई, लूट मचा रहे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि बहुत मेहनत लगती है भाई। हैंडीक्राफ्ट एक्चुअल में हैंडीक्राफ्ट है भूटान के अंदर। ये वो सिस्टम नहीं है कि मशीन से बनाया और उसको हैंडीक्राफ्ट कह के बेचा। यहाँ एक्चुअल में लोग अपने हाथ से चीज़ें बनाते हैं, हर एक छोटी और बड़ी आइटम हैंडमेड है और लोग उसी को सेल करते हैं आगे अपने अपने ही शॉप पे। मेहनत का काम है। मुझे याद है डेकी के पास जब मैं गया तो उसने वो मशीन दिखाई जिसमें वो बैठ करके अलग अलग तरह के बैग्स, ड्रेसेस और छोटे छोटे आइटम्स बनाती हैं। बोल रही थी कि 6 महीने 7 महीने इस तरह से लगता है एक आइटम को बनाने में। डिपेंडिंग आप काम आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। और अभी मैं देख रहा हूँ कि खाली प्रोडक्ट बनाना काफ़ी नहीं, उसको मार्केट करना भी पड़ता है। लुबजंग की पूरी फैमिली यहाँ पर है इस वक्त, खुद लकड़ी काटते हैं, खड्डा खोदते हैं, उसके ऊपर स्टॉल बनाते हैं, फिर उसके ऊपर पॉलीथीन शीट लगाते हैं, नीचे मैटिंग कर रहे हैं, टेबल अपने हाथ से बना रहे हैं। जो आप भूटान आए या भूटान के किसी स्टॉल को देखें तो आप आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं कि वहाँ की चीज़ें ऑथेंटिक हैं, और मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ तो इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ। थोड़ा कॉस्टली लगेगा, भूटान पूरा ही कॉस्टली, लेकिन यहाँ कॉस्टली होने की वजह भी है, जैसे आगे होटल्स, खाना। एक बार होटल में गए तो 1200-1500-2000 इस रेंज में होटल मिलेगा, और खाना एक बार खाने बैठे तो आपका ब्रेकफास्ट 150 रुपया और लंच और डिनर 250 या 300 रुपये के रेंज में जाता है। इकोनॉमिकल ऑप्शन फूड में नहीं मिलते। इवन यहाँ वेजिटेबल्स कॉस्टली हैं, ड्रेसेज कॉस्टली हैं। हम इंडियंस को यहाँ के लग सकता है कि हर चीज़ महंगी है। भूटान इटसेल्फ शायद उन्होंने रखा है, पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा है, सब लोग मेहनत करते हैं और शायद यही एक इनकम का सोर्स है, तो इसलिए भी ऐसा है। अगली बार जब भी आप भूटान आए तो मटेरियल जब भी खरीदें तो थोड़ा बजट बढ़ा रखिए, क्योंकि
यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की चीज़ें या टूरिस्ट हैं, उन्हीं से उनको इनकम जनरेट करना है। सल्यूट टू ऑल भूटनीज पीपल। अभी मैंने 130 रुपए में ये सारी चीज़ें ली हैं। ब्रेड है, दुमा जो यहाँ के लोकल पान है, मैंने देखा कि सभी लोग खा रहे होटल्स तो मैं भी खा रहा था, और ब्रेड प्लस पार्ले जी बिस्किट शायद काफ़ी है आज और कल दो दिन खाने के लिए। आज मैं कहीं नहीं जाने वाला, आज मैं अपने रूम में बैठूंगा और शायद एक आइटनरी बना करके उसको लिखने वाला हूँ कि अगर आप भूटान आ रहे हैं तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। आज ये बनाता हूँ, आज मैं रिलैक्स मारने वाला हूँ। कल दोपहर तक यहाँ पहुँच जाएगा आकाश। लुबजंग भी कल थोड़ा फ्री होगा, कल हम आउटिंग के लिए चलेंगे और परसों ताशी के। ये बन रहा है प्लान भी, काफ़ी टूरिस्ट हैं आज। इनफैक्ट सुबह तो एकदम खाली था, कोई नज़र नहीं आ रहा था, बस अब जाके कुछ लोग नज़र आने शुरू हुए। अभी मैं इससे कोई ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ जो खाने के हिसाब से अच्छा हो, कुछ सब बन नहीं रही है बात। कोई ऐसी आइटम वापस अगर सेम रेस्टोरेंट गया तो वहाँ फिर 200 रुपये का बिल बनने वाला। सुबह ब्रेकफास्ट किया था तो उसने कहा 150 रुपये पे किया, लगा कि यार चार पूड़ी और आलू की सब्जी 150 रुपये में। भूटान खाने के मामले में तो माय गॉड। अच्छा यहाँ फ्रिज के अंदर ना वाइट कलर की बॉटल रखी है, मुझे लग रहा है कि वो छाछ या जैसे बटर मिल्क है वैसा कुछ है। अभी देखेगी तो मैं पूछता हूँ उसको, बटर मिल्क मिला तो बहुत बढ़िया रहेगा, हाजमे के लिए भी अच्छा है और वैसे भी। मैं वापस आता हूँ थोड़ी देर में, एक राउंड और मारता हूँ तब देखूँगा। शॉप है यहाँ पे, मूड बन रहा है यार एक बियर पता करते हैं।